नागपंचमी का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है, जहां धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित साल में एक बार नागपंचमी की खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट पूजा अर्चना के बाद मध्य रात्रि को 12 बजे खोल दिए गए। मंदिर खुलते ही सबसे पहले श्री पंचायत महानिवारणी अखाड़े की ओर से त्रिकाल पूजन किया गया। पूजन अर्चना के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जहां बड़ी संख्या में भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। रविवार की मध्य रात्रि 12 बजे खुले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट नागपंचमी यानी कि सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे बंद हो जाएंगे। 24 घंटे तक खुले रहने वाले इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शन करने पहुंचे हैं। जी हां, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर कितनी ज्यादा श्रद्धालु जो है बाबा नागचंद्रेश्वर का दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबा महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपर भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पट साल में एक बार यानी कि नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर में विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यह प्राचीन मंदिर कई रहस्यों को समेटे हुए है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कई सारे धर्म स्थल ऐसे हैं जो बेहद प्राचीन है और साथ ही साथ यह अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। प्रदेश की धार्मिक नगरी कही जाने वाली शहर उज्जैन की यदि बात करें तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही इस मंदिर के ठीक ऊपर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजमान है, जहाँ साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर का पट खुलता है। नागपंचमी के खुलने वाले मंदिर के पट विधि विधान के साथ खोले जाते हैं। मंदिर में विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। तो सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्प के राजा तक्षक नाग को अमृतत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु की सानिध्य में वास करना शुरू कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो। अंतः वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन वे दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। शेष समय में उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है, इसलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगती है। इसी के साथ इस लंबी कतार को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।